तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ जो कि एवरेज से रिगार्डिंग है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 62। तो मैं मान लेता हूं कि लेट टू नंबर मैंने मान लिया कि यहाँ पर दिया हुआ है ए कमा बी दिया हुआ है, ठीक है। टू नंबर ए कमा बी मान लिया तो क्या होगा, एवरेज ऑफ टू नंबर इज 62 दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर दिया हुआ अपॉन में टू हो जाएगा। तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, इक्वल टू सम। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा अपॉन में टू हो जाएगा। तो हम ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 62 इंटू टू इक्वल टू दूनी चार हो जाएगा, छः दूनी 12। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 124 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इफ़ टू इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर द रेशियो बिटवीन द नंबर बिकम 1:2। द स्मॉलर नंबर इज, तो मैं मान लेता हूँ कि जो स्मॉल नंबर है वो क्या है, ए है, मतलब कि ए इज लेस देन बी हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर टू इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, तो अगर ए में ए स्मॉलर नंबर इसमें टू एड कर दिया जाए अपॉन में बी, तो ये क्या होगा, स्मॉलर नंबर द रेशियो बिटवीन द नंबर बिकम्स 1:2, तो ये 1/2 हो जाता है। तो मैं इसका कैंसिल मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस दूनी 4 इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a प्लस 4 इक्वल टू बी हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन हो गया 2 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, द स्मॉलर नंबर निकालना, मतलब a की वैल्यू क्या है वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 124 दिया हुआ है, ठीक है। 124 दिया हुआ, 124 तो ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू हम रख देंगे 2a प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 124, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू हो जाएगा 124 माइनस 4 इक्वल टू ये 120 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर लेकिन ए की वैल्यू क्या होगा, 312 तो 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ए की वैल्यू आ गई 40। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई वीडियो आपका मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।